नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज हम आपको बताएंगे कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरह से परचेज ऑर्डर की एंट्री पास कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि परचेज ऑर्डर होता क्या है। परचेज ऑर्डर एक दस्तावेज होता है जिसे खरीदार तैयार करता है सेलर से सामान खरीदने के लिए। इस दस्तावेज में सामान की सारी डिटेल दी जाती है, जैसे कि सामान का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उसको किस दिन यानी किस डेट पर डिलीवर किया जाएगा। अब अगर खरीदार सामान नहीं खरीदता तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है इस दस्तावेज के जरिए। लेकिन अगर सेलर बायर को निर्धारित समय पर उसके सामान की डिलीवरी नहीं दे पाता या सामान में कोई कमी रह जाती है तो बायर सामान को रिजेक्ट कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए बड़ी कंपनियां ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीदने से पहले परचेज ऑर्डर यानी कि PO ज़रूर बनवाती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम एक एंट्री पास करेंगे जिसके अंदर 100 पीस हम खरीदेंगे J7 मोबाइल फ़ोन के। अब इसे हम रिसीव करेंगे 90 पीसेस के अंदर, यानी कि जब जो हमने ऑर्डर किया था वो 100 पीस का ऑर्डर किया था और हमें जो रिसीव हुआ है वो 90 पीस रिसीव हुआ है, जिसमें 10 पीस अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब इसके बाद हम जो बिल बनाएंगे वो सिर्फ 50 पीस का बनाएंगे कि अगर कल को हमारे किसी आइटम्स के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे भी रिजेक्ट कर सकें। तो इसलिए हम 50 का बिल बनाएंगे और बाकी 40 को अभी पेंडिंग रहने देंगे। इसके बाद हम इसमें से 10 पीसेस की क्वांटिटी को रिजेक्ट कर देंगे। आप यहां पर रिजेक्ट करने का कोई भी रीज़न दे सकते हैं, चाहे क्वालिटी चाहे वो उसका ऑर्डर इशू हो, और उसके बाद हम उसका प्री क्लोज करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। अब हम यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर के नाम से, और इसके बाद यहाँ पर हम स्टेट ले लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको क्विक क्रिएशन करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आप डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद अब आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आप यहाँ पर F10 टेस्ट करिए। F10 टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप शो इन एक्टिव का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। सबसे पहला है परचेज ऑर्डर, उसके बाद हम करेंगे रिसिप्ट नोट को और उसके बाद करेंगे हम रिजेक्शन को। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको सिर्फ परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसमें आप यस करेंगे। इसको यस करने के बाद आपका ये वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वाउचर भी एक्टिवेट कर लेते हैं। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, स्कैप से आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप चले जाइए ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ से चले जाइए वाउचर टाइप्स के अंदर। वाउचर टाइप के अंदर आप देखेंगे आपके जितने भी वाउचर्स थे वो एक जगह पर शो हो गए। अब यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करेंगे, तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका एक्टिव दिस वाउचर टाइप, तो यहाँ पर इससे नो को हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद इसे कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। इसी तरीके से हम रिजेक्शन आउट को भी एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से इसको भी हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों वाउचर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने के लिए आप चले जाइए वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपका परचेज ऑर्डर आपके सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको लेना है अपनी पार्टी का नाम, तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम ले लेते हैं। आपको ऑल्ट सी करना होगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेजर को पीछे जा करके भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट में जाइए, यहाँ से लेजर्स में जाइए और यहाँ से जाने के बाद आप अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेजर क्रिएट करूँगा, यहाँ से मैं वापस पीछे चला जाता हूँ। पीछे जाने के बाद वापस वाउचर्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट सी। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी पार्टी का नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा सिंड्री क्रेडिटर के, क्योंकि ये हमारा देनदार है, और इसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। अगर आप यहाँ पर GST नंबर डालना चाहें अपनी पार्टी का, उसके पास GST है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सबसे पहला जो आपका ऑर्डर डिटेल है उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है
मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी आप जो पेमेंट करेंगे उसका मोड क्या होगा पेमेंट का। तो हम यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे कैश रख सकते हैं, आप यहाँ पर यूपीआई पेमेंट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट रख देता हूँ कैश। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अदर रेफरेंस, यानी कि अगर आपके पास कैश नहीं हो पाता तो आपका जो अदर रेफरेंस होगा पेमेंट का वो क्या होगा। तो हम यहाँ दूसरा जो रेफरेंस है वो दे देते हैं चेक। इसके बाद यहाँ पर है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी आपको जो डिलीवरी है वो कितने दिनों में चाहिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 30 डेज, कि मुझे 30 दिनों के अंदर डिलीवरी चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे रिसिप्ट डिटेल्स, यानी कि अब यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डिस्पैच थ्रू है, यानी आप जो ये गुड्स मंगवा रहे हैं वो किसके थ्रू मंगवा रहे हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ वैन, कि हमारी एक वैन आएगी जो कि हमारे इस गुड्स को रिसीव करेगी। इसके बाद यहाँ पर आप डेस्टिनेशन दे सकते हैं, यानी आप का ये जो सामान है किस जगह पर डिलीवर होगा। तो हम यहाँ दे देते हैं दिल्ली। दिल्ली देने के बाद यहाँ पर आप कोरियर एजेंट का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम दे देते हैं जैसे मिस्टर कमल कुमार। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लैंडिंग नंबर दे सकते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो सामान है वो किसी कुरियर के थ्रू नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर इसे एंटर करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप अपनी वैन का नंबर आप डाल दीजिए, कि जिस गाड़ी से आपका गुड्स यहाँ पर डिलीवर होगा उसका नंबर क्या होगा। तो हम नंबर दे देते हैं और उसके बाद इसको एंटर करके हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने सप्लायर का एड्रेस फिल कर सकते हैं, जैसे मैं भर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। अगर आपने जीएसटी नंबर वहाँ पर फिल किया होता तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जीएसटी नंबर उसका आ जाता। अगर आपके पास अब जीएसटी नंबर फिल करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर भी आप फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ और इसको एंटर करके सेव करा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑर्डर नंबर 1 आ गया, यानी इस पार्टी को आप सबसे पहला ऑर्डर कर रहे हैं। हम कल को कन्फ्यूज ना हो जाए कि हमारा ये ऑर्डर नंबर कौन सा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर है वो पार्टी के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दूँ कि आप चाहें तो अपने हिसाब से पार्टी का जो ऑर्डर नंबर है वो बना सकते हैं। तो मैं दे लेता हूँ यहाँ पर ABC और 1 दे दिया, ये ABC 1 मेरा ऑर्डर नंबर हो गया। इसके बाद मैं एंटर करके इसको सेव करूँगा। यहाँ पर एक लेज़र आप क्रिएट करेंगे परचेज का और इसको डाल देंगे परचेज अकाउंट के अंदर, और इसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर गुड्स ले लेंगे। गुड्स लेने के बाद अब आपको आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कौन सा आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इसे ऑल्ट सी करके डायरेक्टली आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो आइटम है हमारा J7। J7 के बाद यहाँ पर अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ रैम 4GB और स्टोरेज 40GB। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं हम लोग सैमसंग के। ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सैमसंग का आइटम है, तो इसे सैमसंग के अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसे सेव करेंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके यूनिट्स ले लेते हैं। और पीसीस आपका किस में आता है, पैक्स में आता है, पेयर्स में आता है, तो यहाँ पर ले लीजिए पैक्स के अंदर और उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल अभी नहीं छेड़नी है, क्योंकि हम जीएसटी की यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं। आप इसे कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है, कि आप कितने पीसेस का ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे हैं 100 पीसेस का। एंटर प्रेस करिए। इसका रेट क्या है, तो रेट है हमारा 12,000 पर पीस का। तो टोटल हमारा हो गया 12 लाख रुपये। और उसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। इस एंट्री को सेव करने के बाद अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूं। बैलेंस शीट में अभी हमारे पास कोई भी आइटम शो नहीं हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको एक बार डिस्प्ले मोड दिखा देता हूं। आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहां से आपको जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहां से आपको जाना होगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहां से आपको लेना होगा ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर जैसे ही आप लेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर शो हो गया, यानी इतना भी आउट ऑफ स्टैंडिंग है, अभी आपके पास ये आया नहीं है। हमने जो ऑर्डर किया था वो 1 अप्रैल को ऑर्डर किया है।
अब स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद अब रिसीव नोट हम यूज करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप स्कैप करके पीछे वाउचर्स के अंदर, और यहाँ पर अब आप रिसीव नोट ले लीजिए। तो रिसीव नोट लेने के आपके दो तरीके हैं, या तो आप इसकी शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट के साथ F9, और या तो फिर आप यहाँ पर F10 प्रेस करके और यहाँ से रिसीव नोट को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिसीव नोट ले लेता हूँ। रिसीव नोट लेने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपना रेफरेंस नंबर देना होगा, यानी जो पार्टी आपको गुड्स दे रही है वो आपको एक रेफरेंस नंबर देगी, वो नंबर आपको यहाँ टाइप करना होगा। तो मैंने दे दिया लाइक 1010। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अपनी पार्टी का नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद जो हमारा ऑर्डर नंबर था वो यहाँ पर शो हो गया। हम इस ऑर्डर नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। इसको आप एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए, यहाँ भी नीचे करके सेव कर दीजिए, यहाँ परचेज ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ रखना है आपको ट्रैकिंग नंबर 1। ट्रैकिंग नंबर 1 जो है वो है हमारे ABC प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब मान लीजिए हमें जो रिसीव हो रहा है वो 90 पीसेस रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम 90 पीस दे देते हैं। 90 पीस देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमाउंट भी डिडक्ट हो गया। इसके बाद आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे, सेव कर दीजिए इसको भी नो रख करके। अब इसके सेव होने के बाद अब मैं आपको फिर से एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आप बैलेंस शीट में वापस चले जाइए। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी करंट लायबिलिटी शो हो गई। यहाँ पर आप ऑल्ट F1 दबाइए। ऑल्ट F1 दबाने के बाद आपका सिंडिकेटर यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है परचेज बिल टू कम। हमने जो गुड्स रिसीव किया है उसका अभी तक हमने कोई बिल जनरेट नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर बिल बनाना होगा। और इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। आप चले जाइए डिस्प्ले मोर की रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी के अंदर, और यहाँ से चले जाइए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर, और यहाँ से चले जाइए ऑल ऑर्डर्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टोटल अमाउंट था, यानी टोटल जो हमारा ऑर्डर था वो 100 पीसेस का था, और यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटी 10 पीस दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो रिसीव किया है वो 90 पीस रिसीव किया है, इस वजह से यहाँ पर 10 पीस हमारा शो कर रहा है। इसके बाद मान लीजिए इस 10 पीस को मुझे रिजेक्ट करना है, मैं नहीं चाहता इस 10 पीस को लेना, या मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं 90 पीसेस से मेरी पूरी हो चुकी है, मुझे 10 पीस की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं चाहता हूँ ये 10 पीस मेरा रिजेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है प्री क्लोज का। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑल्ट के साथ आप W प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कितने पीसेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं, प्री क्लोज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने मान लीजिए 10 पीस दे दिया कि मैं 10 के 10 पीस को प्री क्लोज करना चाहता हूँ। यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर अपना रीजन दे सकते हैं कि आप इसको प्री क्लोज क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए क्वालिटी, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी बैलेंस क्वांटिटी शो नहीं कर रहा है, वो हमारा यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए, और यहाँ से मैं आपको एक बैलेंस शीट फिर से दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में आप वापस चले जाइए, यहाँ पर चले जाइए, और इसके बाद यहाँ पर प्रेस कर दीजिए ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद सिंडिकेटर में आ जाइए। आप यहाँ देखेंगे आपका परचेज बिल अब जो था वो कम हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इस आइटम को परचेज कर लेते हैं। अब चले जाते हैं वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद हम F9 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अब हम इसका इनवॉइस तैयार कर लेते हैं। तो एंटर प्रेस करिए, यहाँ पर अपने इनवॉइस का जो भी सब नंबर था वो फिल कर दीजिए। तो हमारा जो नंबर था वो था 1010। इसके बाद एंटर करके नीचे आ जाइए, यहाँ पर पार्टी नेम को सिलेक्ट करिए। पार्टी नेम सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जो भी आपका ट्रैकिंग नंबर था उस ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा जो ट्रैकिंग नंबर था वो 1 था, हम इसको एंटर कर देंगे। 1 के अगेंस्ट जो भी हमारा डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको एंटर करके आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। आपने यहाँ परचेज कर लिया, कितने आइटम्स को परचेज किया तो वो यहाँ पर दिखा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं 50 पीसेस, यानी हम अभी 50 पीस का बिल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 50 पीस ले लेंगे। 40 पीस को हम बैलेंस दिखाएंगे अभी, और इसको एंटर करके आप पहले सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप चले जाइए वापस बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करिए, और यहाँ से चले जाइए सिंडिकेटर के अंदर। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो परचेज बिल हमारा कम था वो कम हो गया, और यहाँ से हमारे 50 पीस का बिल जनरेट हो चुका है। इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका अभी जो पेंडिंग है वो आपका 40 पीस अभी भी पेंडिंग है, यानी इतने पीस का अभी हमें बिल बनाना है, और इतना पीस यानी कि जो हमारे 50 पीसेस थे उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ कवरेज हो चुकी है। अब एक बार पीछे चले जाइए।
पीछे जाने के बाद हम फिर से चले जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से चले जाइए आप परचेज बिल पेंडिंग्स के अंदर। अब आप देखेंगे आपका जो बिल पेंडिंग है वो 40 पीसेस का बिल पेंडिंग है, और 90 पीसेस की टोटल हमारी क्वांटिटी थी, 40 पीस हमारे पास अभी पेंडिंग शो कर रहा है। इसके बाद स्कैप करके पीछे आ जाइए, यहाँ पर आप चले जाइए ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर। अगर आप ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ भी शो नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी में से 10 पीसेस को रिजेक्ट कर देना है, यानी हम चाहते हैं कि 10 पीस रिजेक्ट हो जाए। तो 10 पीस हम किस तरह से रिजेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको जाना होगा वापस अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिजेक्शन आउट का यूज करना होगा, और रिजेक्शन आउट का जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल प्लस F5। तो ये आप कंट्रोल प्लस F5 दबा दीजिए, आपका रिजेक्शन आउट शो हो गया। रिजेक्शन आउट लेने के बाद यहाँ पर आप ले लीजिए अपनी पार्टी का नाम। पार्टी का नाम लेने के बाद यहाँ पर आ जाइए अपने आइटम्स को ले लीजिए, तो आपके पास 90 पीसेस टोटल शो कर रहा है। और यहाँ से आप ट्रैकिंग नंबर जो है 1 को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप कितने पीसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए 10 पीस को रिजेक्ट कर दिया, इसको मैंने एंटर करके सेव कर दिया। और सेव करने के बाद आप फिर से आप चले जाइए अपने बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे आपका जो अमाउंट था वो यहाँ से कम हो गया, यानी जो अब हम उसको पैसा देंगे वो हम देंगे 30 पीसेस का, यानी कि 10 पीस उसने अभी हमें भेजा ही नहीं था और 10 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया, और अब हमारे पास जो पीस बचा है वो 30 पीस का अमाउंट है जो इसका हम बिल अभी जनरेट करेंगे। तो इसको मैं एक बार बैक जा करके आपको यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ डिस्प्ले के अंदर। यहाँ से चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ से चले जाइए आप परचेज बिलिंग पेंडिंग्स के अंदर। तो आप देखेंगे आपको जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ 30 पीस की करनी है, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 40 पीस की थी, 10 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया, अब हमारे पास यहाँ पर 30 की क्वांटिटी बच गई। अब एक बार पीछे चले जाइए और अब हम देख लेते हैं एक बार परचेज आउटस्टैंडिंग के अंदर इसमें क्या शो हो रहा है। तो इसके अंदर जाने के बाद आप ऑल पे क्लिक करिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो अभी पीस रिजेक्ट किया था वो आपका यहाँ पर शो हो गया। मान लीजिए आपने ये जो पीस अभी रिजेक्ट किया है इसे आप वापस लेना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम फिर से एक रिसिप्ट नोट तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसको भी करके आपको दिखा देते हैं। स्कैप से आप पीछे आ जाइए, पीछे आने के बाद आप चले जाइए वापस अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर रिसिप्ट नोट यूज़ करिए, तो रिसिप्ट नोट की जो आपकी शॉर्टकट की थी वो ऑल्ट के साथ F9 थी, यहाँ से ऑल्ट F9 दबा दीजिए, और यहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर वही डाल दीजिए जो रेफरेंस नंबर हमने पिछला डाला था। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करने के बाद अपनी पार्टी का नाम ले लीजिए, और यहाँ पर अपने जो भी आपका इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पर फिल कर लीजिए। इसके बाद इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर परचेज वाउचर आपका शो हो गया, और उसके बाद आप कितने पीसेस को यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो यहाँ पर आप ट्रैकिंग नंबर लेंगे वो लेंगे 2, क्योंकि पहला वाला ट्रैकिंग नंबर हम ऑलरेडी रिसिप्ट के लिए पहली रिसिप्ट के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रैकिंग नंबर 2 जो कि अगेंस्ट होगा हमारा ऑर्डर नंबर ABC1 के लिए। इसके बाद हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ देखेंगे 10 पीस ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो गया, जो 10 पीस हमारा बचा था वो हम फिर से रिसीव कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। एंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। अब आप स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं आपको बैलेंस शीट आपकी। बैलेंस शीट देखने के बाद आप यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद यहाँ वापस क्लिक करिए, आप देखेंगे आपका अमाउंट वापस इंक्रीज हो गया। अब आपका जो अमाउंट है वो 4,80,000 रुपये का है, तो अब हम इसको भी वापस क्या करेंगे, इसका भी हम बिल जनरेट कर देते हैं। तो आप चले जाइए वापस वाउचर्स के अंदर, यहाँ पर प्रेस करिए F9। F9 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर डाल दीजिए जो कि आपका इनवॉइस नंबर था, और उसके बाद एंटर करिए। एंटर करने के बाद अपनी पार्टी को ले लीजिए, और यहाँ पर जो आपका ट्रैकिंग नंबर था वो ले लीजिए। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर जो था वो हमारा 1 था, उसके बाद हम 1 को ले लेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए, आप देखेंगे आपका जो बाकी के पीसेस थे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो हम इसका भी बिल जनरेट कर रहे हैं। जनरेट करने के बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप डेट देना चाहें ड्यू डेट तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे एंटर करके हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब वापस बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इस पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 1,20,000 रुपये वापस शो कर रहा है। इसका भी अभी बिल हमने नहीं बनाया है। रीज़न, जो अभी हमने 10 पीस रिजेक्ट किया था और उसके बाद वापस उसको रिसीव किया है, अभी हमें उसका भी बिल जनरेट करना है। तो वापस चले जाते हैं,
वापस जाने के बाद वाउचर्स में आ जाइए और एक बार हम परचेज की एंट्री फिर से पास कर लेते हैं। परचेज की एंट्री पास करने के बाद अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल दीजिए जो आपका रेफरेंस नंबर था, एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करने के बाद पार्टी को वापस ले लीजिए। अब यहाँ पर आपका जो दूसरे नंबर का ट्रैकिंग नंबर था उसको सिलेक्ट करिए और उसको भी आप उसी तरीके से एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए। अब इसके सेव होने के बाद यहाँ पर आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर चले जाइए और यहाँ से चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ से चले जाइए परचेज बिल पेंडिंग के अंदर, तो आप देखेंगे आपका कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है। और यहाँ से आप देखेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ से अगर आप ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, यानी जितना भी ऑर्डर था हमने उसको रिसीव कर लिया है। तो अब हम अगर स्टॉक जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉक समरी देख लीजिए। स्टॉक समरी में सैमसंग का आइटम है आपका, टोटल J7 है, 90 पीस आप रिसीव कर चुके हैं टोटल, किस डेट पे आपने रिसीव किया है वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शो अप हो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप चले जाइए वाउचर्स के अंदर, यहाँ से चले जाइए F5 पेमेंट मोड के अंदर, यहाँ से स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने के बाद यहाँ से चले जाइए कैश के अंदर। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश देखेंगे तो कैश हमारे पास है ही नहीं। अब अगर हम प्रायोरिटी नेम लेते हैं यहाँ पर और हमारा जो अमाउंट है वो 10,80,000 रुपये का अमाउंट है जो कि हमारे पास यहाँ पर कैश नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास कैश होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर अपना ओपनिंग बैलेंस में आप अमाउंट डाल दीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस में हम अमाउंट डाल देते हैं लाइक 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए डालने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से हम इस पार्टी को 10 लाख रुपए पेमेंट कर देते हैं। 10 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद इसे ऑन अकाउंट रख लीजिए या एडजस्ट रेफरेंस भी रख सकते हैं पार्टी को। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका 80,000 जो है वो अभी पेंडिंग है और 10 लाख रुपए आपने इसकी पेमेंट कर दी है। मैं आपको एक बार बैलेंस शीट वापस दिखा देता हूँ। आप चले जाइए अपने बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देखेंगे आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो 80,000 बची है, ये देखिए। और वो किसको देना है आपको, सिंडिकेटर को देना है, किसको, ABC प्राइवेट लिमिटेड को। क्यों देना है, आपने इससे परचेज किया था, इतने इतने आइटम्स का परचेजिंग की थी आपने। इसके बाद जो 80,000 हमारा अमाउंट बचा है हम उसको पेमेंट कर लेते हैं चेक के थ्रू। तो इसकी चेक पेमेंट कैसे करेंगे, वापस चले जाइए आप अपने वाउचर्स के अंदर और चेक से पेमेंट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो अब आप ये किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें F4 एंट्री यानी कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होगी। यहाँ से स्पेस दबाइए, स्पेस दबाने के बाद यहाँ से ले लीजिए आप अपने बैंक का नाम, तो हम ले लेते हैं HDFC बैंक और इसको अंडर ऑफ डाल देते हैं बैंक अकाउंट के। आप यहाँ पर बैंक की पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं, मैंने वैसे ही सेव कर दिया है। और उसके बाद स्पेस दबा करके आप यहाँ पर कैश ले लीजिए। कैश लेने के बाद अब यहाँ कितना पैसा आप बैंक में डालना चाह रहे हैं, तो हम दे देते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देने के बाद आप देखेंगे HDFC बैंक के अंदर हमारे 1 लाख रुपए पहुंच गए और कैश इन हैंड हमारे पास 1 लाख रुपए बचा हुआ है। अब यहाँ से आपको एंटर प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको दिखाना होगा कि आपने कितने नोट दिए हैं। तो 2000 के हमने दिए हैं 50 नोट, हमने 1 लाख रुपए डाल करके इसको सेव कर देते हैं। बैंक नेम दे दीजिए, यहाँ से आपको स्पेस दबाना होगा, यहाँ से स्पेसिफाइड बैंक नेम लेना होगा और यहाँ से अपने बैंक का नाम डाल दीजिए। के बाद इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। तो अब हम इसकी पेमेंट बाकी क्लियर कर लेते हैं, F5 करते हैं, स्पेस दबाते हैं और यहां से ले लेते हैं हम लोग HDFC बैंक। HDFC बैंक लेने के बाद स्पेस दबाइए, यहां से आप ले लीजिए पार्टी का नाम। पार्टी का नाम लेने के बाद यहां से आप दे दीजिए उसकी अमाउंट, यानी 80,000 है तो 80,000 को हम पे कर देते हैं और उसके बाद इसे एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो अमाउंट था वो प्रॉपर क्लियर हो चुका है। अब हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी पैसा नहीं देना और हमारे पास जो करंट बैलेंस है वो हमारा शो हो गया। अब यहाँ पर हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपसे चेक की पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी कि जिस चेक से आपने पेमेंट करी है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। तो यहाँ पर अपना जो भी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। तो अब अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप ऑल्ट F1 करिए, यहाँ से आप देखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,80,000 रुपये है, कैश इन हैंड आपके पास 1 लाख रुपये है और 20,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। करंट एसेट्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास 12 लाख रुपये का है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक 10,80,000 रुपये का है, यानी इतने का आपका गुड्स है, सैमसंग का आइटम है और बाकी आपके पास कैश और बैंक में पड़ा हुआ है।
तो ये थी हमारी परचेज ऑर्डर की कंप्लीट एंट्री। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।